शांति व्यवस्था के साथ शुक्रवार को जनपद में मोहर्रम पर्व सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मोहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पहले ही जनपद के सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई थी तथा शासन के द्वारा जारी निर्देश से सभी को अवगत करा दिया गया था और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि महानगर को 3 जोन व 11 सेक्टर में विभाजित कर दिया गया था तथा अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटियां लगाई गई थी। जहां पर ज़्यादा भीड़ होती है वहां पर पुलिस कर्मियों को ज़्यादा ड्यूटियां लगाई गई थी। एसपी सिटी ने कहा कि जनता के सहयोग से मोहर्रम पर्व सकुशल सम्पन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए मुहर्रम में हमने पीस कमेटी मीटिंग्स कर ली हैं, मोहल्ला लेवल पे मीटिंग कर ली है और जनमानस को जो निर्देश हैं उसके बारे में बता दिया गया और इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है हमने अलग अलग ट्रैफिक डायवर्जन भी प्लान किया गया, उसको हमने अखबारों में और सोशल मीडिया में प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त जो शहर क्षेत्र है उसमें 3 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित करके अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है या ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, चौराहों पे ड्यूटी लगाई गई और जनता के साथ संपर्क में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने की संभावना नहीं है और अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर कहीं दिखता है जनता को, तो हमें तत्काल सूचित करें ताकि हम त्वरित कार्रवाई कर सकें।